तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अभी हमने वाईफाई वाले को फ़ोन कराया तो वो आगे वाईफाई लगाएगा। तो चलो चलते हैं और वर्क फ्रॉम होम की तैयारी शुरू करते हैं। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैंने कल वाईफाई के लिए अप्लाई करा था लेकिन वो कल नहीं लग पाया उनके रीजंस की वजह से। कोई नहीं, आ जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम की तैयारी चल रही है सारी की सारी। बस जल्दी से वाईफाई लगना और सिस्टम चेक करना है अपना, जो भी है सॉफ्टवेयर्स वगैरह वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसी स्पीड आ रही है, जो भी है। बाय द वे, इसके बारे में कंपनी पे करती है, जैसे आपका वाईफाई अलाउंस सिस्टम सब प्रोवाइड करती है, पैसे वगैरह सब देती है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज़्यादा। अभी बस वाईफाई लग जाए तो फिर सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और फिर काम स्टार्ट करेंगे कल से। आज हमारा वीकेंड है, वो वीक ऑफ है, सॉरी, तो वीक ऑफ के भी मज़े लेंगे। बस वाईफाई की टेंशन हो रही है कि आज ही आज में लगवाना पड़ेगा मुझे किसी भी तरीके से, क्योंकि आज नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि फिर मेरे को बताना पड़ेगा कंपनी में कि मेरा इसी रीजन्स की वजह से नहीं लग पाया। क्योंकि मैंने उनसे कल ही कह दिया था, वैसे तो कल ही वो कह के भी गया था मुझसे कि कल ही कल में लग जाएगा, लेकिन नहीं लग पाया क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में तो नहीं है। चलो कोई नहीं, बात करिए कि आज आ जाएगा, लगवाते हैं वाईफाई, फिर देखेंगे सिस्टम सारा चेक करेंगे अपना कि सब प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि इंटरनेट स्पीड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम घर से काम करेंगे तो कंपनी ने क्या रखा है कि आप अच्छा वाला लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी पे करती है उसके लिए। चलो देखते हैं, अभी ज़रा नहा धो के रेडी हो जाते हैं। उसने वाईफाई वाले ने बोला है कि अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, सो लेट्स सी, वेट करते हैं और चलते हैं। चलो सो गाइस, 2 बज चुके हैं लेकिन अब भी वाईफाई वालों का कुछ अता पता लापता है वो। देखते हैं, फ़ोन मिलाते हैं दोबारा, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या है, जो भी है भाई जल्दी लगा दो लगाने के बाद, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को चेक करना है। बस चेक करने तक की देरी है, बाकी फिर और कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना है बस मेरे को वाईफाई लग जाए और उसको मैं स्पीड वगैरह सब चेक कर लूँ, सारी चीज़ें ओपन करके देख लूँ खुल रही हैं नहीं खुल रही हैं, क्योंकि वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि दिक्कत हो मुझे, कुछ ना कुछ सुनने को मिले थोड़ी बहुत, आई डोंट वॉन्ट। वाईफाई वाला तो आ चुका है, ज़रा गिट्टी लेके आते हैं, इसे लगवाना है हमें। तो तारों की ज़रा सही से सेटिंग करानी है, क्योंकि सेटिंग करानी ज़रूरी है वरना तार लटके रहेंगे। तो ज़रा इसको लगाने का सिस्टम लेके आते हैं बाहर से, मार्केट से मान लिया है, ये रहा अपला वारू जो लगाएंगे अभी से तारों में, इनको फिट कर देंगे तो तार ब्यूटीफुली आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं, लगवाते हैं इसका सिस्टम सारा, डन करते हैं, चेक करेंगे स्पीड वगैरह, आज तो मज़ा आ जाने वाला है। चलो सो गाइस, अभी वायरिंग वगैरह तो कर लिए, सेट वगैरह कर दिया था, बस अभी वाईफाई वाला खाना खाने गया, लंच ब्रेक पे भी आएगा तो लगवाएंगे, बस 15-20 मिनट का काम बचा है, फिर स्पीड चेक करेंगे सबसे मेन जो है। चलो हमारे साथ बैठे हैं हमारे तला भाई जो अभी आए हैं ओखला से, वैसे रहते ही अमरोहा में। और तला भाई सब ठीक, सब बढ़िया? हाँ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? थके थके हुए लग रहे हो तुम ज़्यादा ही। हाँ, खराब चल रही है तबियत, खराब चल रही है भाई की। कोई नहीं, दवाई लेना है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं, अभी करवाते हैं जरा सिस्टम जो है हमारा, फिर उसके बाद चलेंगे कहीं। ठीक है, डन है। चलो आँखों का चश्मा लेने, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम तो काम करेंगे घर से, आँखों की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस के अंदर तो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होती है सारी चीज़ें, घर पे नहीं होती, कोई नहीं ले जाते। सब बढ़िया आ रहा तो आज चलने का गलियों में, बस थोड़ी थोड़ी दूर तक ही जाना है ना, फिर ले जाएंगे अपना सामान। सामान मतलब चश्मा लेके आएंगे, चश्मा अच्छा नहीं आ रहा है, चश्मा 2 चश्मे वाले। हेलो भाई, कैसी लुक आ रही है बताओ? देखो सही लग रही है, जेन्युइन लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है देख के पहन के, लुक आ रही है। गाइस आप भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अभी नया लिया, चलो अच्छा।
अच्छा नहीं भी लगे फिर भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लेंगे पहले। जो भी कॉल आ रही है भाई, क्या जो भी कॉल लुक आ रही है, हाँ अच्छा लग रहा है। भैया को बेबस कर देंगे भाई, भाई हाँ देखो पूरा प्रोसेस, देखो पूरा प्रोसेस। भैया रेसिपी भी नहीं बताने वाले तो चीज और ये जा रहा सीक्रेट मसाला और ये जा रहा सीक्रेट मसाला यही वाला मसाला सीक्रेट मसाले ने तबाही मचा दी और ये सीक्रेट बोतल का सिरका ये तो गाइस हमारा सारा का सारा काम हो चुका, चश्मा भी लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा, कमेंट कर देना जैसे भी लग रहा है। और हमने अपना सिस्टम भी चेक कर लिया, सब सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो कल करेंगे वर्क फ्रॉम होम। आई होप मज़ा आएगा, पहले तो फर्स्ट दिन है तो चैलेंजिंग होगा क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से चलती थी, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चलेंगी थोड़ी सी, हो सकता है एक्सपीरियंस लेंगे, जैसा भी होगा अपडेट देते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल हमारा डे वन है वर्क फ्रॉम होम का, तो स्टार्ट करेंगे, मज़े लेंगे, चलते हैं, टाटा बाय बाय। अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ओके बाय।